अब हम पढ़ेंगे कॉमिक्स गंजा बेटा और सात भूत। गंजा बेटा और सात भूत। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया का एक गंजा बेटा था। वह बहुत आलसी था, घर के किसी भी काम में हाथ बटाना तो जानता ही नहीं था। पूरी पूरी खुराक खाकर मजे से खर्राटे भरता था। एक दिन तंग आकर बुढ़िया उसे डंडे से पीटने लगी। इतना बड़ा हो गया है, कब तक तुझे खिलाती रहूंगी? ओ माँ बस करो, जाओ माँ मेरे लिए एक बड़ी सी रोटी बना लाओ, मैं आज ही काम ढूंढने जाऊंगा। माँ ने बेटे की बात मानकर उसके लिए एक बड़ी सी रोटी बना दी। रोटी अपने थैले में रखकर बेटा लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। नदी नाले पार करके हुआ चलता ही गया। अब मैं बिना धन कमाए वापस नहीं लौटूंगा। इसके बाद वह एक पहाड़ी पर चढ़ा और थक कर एक गुफा के सामने बैठ गया। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी, अतः पोटली से रोटी निकाली और एक टुकड़ा खाया और बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ एक तो चला गया। फिर दूसरा टुकड़ा खाते हुए बोला, और यह दूसरा भी गया। तीसरा टुकड़ा खाने के बाद एक और चला गया, एक और गया। उसी गुफा के भीतर सात भूत रहते थे। उस समय उनमें से छह सो रहे थे और सातवां पहरा दे रहा था। उसने सभी को जगाया, उठो उठो भाइयों, बाहर शायद कोई बड़ा मजबूत आदमी है जो हमारी गिनती कर रहा है। भूत डर गए, बाहर जाकर पता लगाओ कि वह मजबूत आदमी कैसा है। सातवें भूत ने गुफा के दरवाजे से झांक कर गंजे बेटे को गुफा के सामने बैठा देखा। वह बहुत मजबूत और ताकतवर है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, अन्यथा वह हम सबको मार डालेगा। अच्छा हम सब उसके पास चलते हैं। अपने सामने सात भूतों को देखकर गंजे आदमी की गिनती बन गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, शायद यह हमसे मित्रता करना पसंद नहीं करता। अंत में सबसे बड़ा भूत बोला, हे मालिक, हमारे पास गुफा में बहुत बड़ा खजाना है, हम वह सब आपको दे देंगे, लेकिन आप हमें जान से मत मारिए। अब गंजे की समझ में असली बात आई। अच्छा मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, गुफा से अपना खजाना लेकर आओ और मेरे घर तक पहुंचा दो। जी बहुत अच्छा। गुफा में जाकर सातों भूतों ने सोने की मोहरों की सात बोरियां अपने सिर पर रखी और गंजे आदमी के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर, माँ यह खजाना संभालो, अभी मेरे दोस्त जलाऊ लकड़ी भी लेकर आएंगे ताकि रोटियां बनाने में तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम लोग मेरे पीछे आओ, यहाँ इस कमरे में रख दो। सातों भूत जल्दी ही जलाव लकड़ी लाने के लिए रवाना हो गए। अपने सिरों पर लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर लाद कर वे लौटे और गंजे के घर में डालने लगे। अब तुम लोग अपने घर जाकर सो जाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो बुला लूंगा। अच्छा मालिक। भूत अपनी गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में वे बातें करने लगे, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, उस मजबूत आदमी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें उस जैसा बहादुर दोस्त मिला है। हमें खुशी है कि फालतू पड़े हमारे खजाने का अब अच्छा उपयोग होगा। संयोग से एक लोमड़ी छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। वाह रे गंजे आलसी आदमी, अब तू बहादुर भी बन गया। मुझे इस भरे आदमी की सहायता करनी चाहिए, एक निकट्टू ने उनका खजाना ठक लिया। मुझे इन भले लोगों की सहायता करनी चाहिए, एक निकट्टू ने इनका खजाना ठग लिया है।
अगले ही पल लोमड़ी भूतों के सामने पहुंच गई। नमस्कार आन, दोस्तों आप कहाँ से चले आ रहे? ए लोमड़ी, अब तुझे क्या बताएं, किसी तरह अपनी जान बचाकर चले आ रहे हैं। वह मजबूत आदमी तो हमें खत्म ही करने वाला था, मगर पता नहीं कैसे वह हम पर दया कर गया और हमारी जान बच गई। अरे अरे, तुम हंस रही हो? हमारी जान पर बन आई थी और तुम हंस रही हो? हंसू नहीं तो क्या, रोऊं? तुम लोग भी कितने मूर्ख हो। अरे वह गंजा आदमी तो रोज अपनी माँ से मार खाता है। वह बड़ा आलसी है जिसे तुम मजबूत कहते हो। क्या तुम सच कहती हो? अरे बिल्कुल सच, में उसकी माँ के चूजे रोज चुराती हूँ। उस गंजे निखट्टू ने आज तक मेरा पीछा नहीं किया। हमें तुम्हारी बातों पर कुछ कुछ विश्वास आने लगा है। विश्वास करो, मैं तुम्हारा खजाना तुम्हें वापस दिला दूंगी। ठीक है लोमड़ी बहन, हम तुम्हारे कहने से उस आदमी के पास अपना खजाना वापस लेने के लिए चलते हैं, लेकिन तुम हमें रास्ते में छोड़कर मत भाग जाना। अजी कैसी बात करते हैं आप? आप भी भूत महाराज, यदि मेरे मन में छल होता तो मैं तुम्हारी बधाई की बात ही क्यों कर बताती। सब ठीक है, चलो। वे लोग अभी आधी दूर तक ही वापस गए होंगे कि एक दो भूत डर के मारे कांपने लगे। भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अरे इतना भी डर किस बात का? लोमड़ी बहन हमारे साथ जो है। लोमड़ी का क्या भरोसा, बहुत दूर होती है, यह हमें छोड़कर भाग जाएगी, देख लेना। ओ मुझे, मुझ पर अविश्वास। ओ मुझ पर अविश्वास। सारे भूत एक जगह रुक गए। लोमड़ी उन्हें भरोसा दिलाने लगी। देखो भूत महाशय, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें छोड़कर भागोगी नहीं। इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम हमें छोड़कर भागोगी नहीं? यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे किसी रस्सी से बांधे और उस रस्सी को अपनी कमर में लपेट लो। ये बात स्वीकार है। बूढ़े भूत ने लोमड़ी को बांध लिया और रस्सी अपनी कमर में लटका ली। दूसरे भूत भी उन दोनों से थोड़ी दूर पीछे चलने लगे। गंजा आदमी अपने मकान की छत पर बैठा चारों ओर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि लोमड़ी बूढ़े भूत की को रस्सी के सहारे लिए आ रही है। दूसरे भूत काफी पीछे रह गए थे। वह जोर से बोला, लोमड़ी मैंने कहा था कि दहेज में तुम सात भूत लाना, पर तुम केवल एक लाई। अपने बेटे की बात सुनकर गंजे की माँ भी झपट कर बाहर निकली। ओ शैतान लोमड़ी, तुम हमेशा लोगों को धोखा देती रही हो। याद रखना, यदि तुम सात भूत नहीं लाई तो तुम्हारे साथ अपने लोमड़ का विवाह नहीं होने दूंगी। अच्छा तो तुम हमें दहेज के रूप में सौंपना चाहती थी? बूढ़ा भूत वापस भागा। जल्दबाजी में वह लोमड़ी की रस्सी खोल न सका और उसे भी घसीटता ले गया। दूसरे भी जो पीछे पीछे थे हड़बड़ा कर उन दोनों के पीछे भागे। घिसटती हुई लोमड़ी ने आखिर किसी तरह स्वयं को मुक्त किया। उसके सारे रोए झड़ चुके थे, शरीर के एक दो स्थानों का खून बह रहा था। वह रोती बिलखती पश्चाताप करती रही। मेरी यह दुर्दशा ठीक ही हुई है, मैं व्यर्थ जी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने आई थी। उधर गंजा खुशी हो रहा था। सुनो माँ, अब कभी भी वे भूत लौट कर नहीं आएंगे। अब तू निकटू नहीं रहा मेरे लाला, मेरे लाल, अब मैं शीघ्र ही तेरी शादी करूंगी। सजा चोर को, फांसी राजा को। किसी जमाने में एक गरीब आदमी अपने कच्चे और जर्जर मकान में रहता था। तेज आंधी आने से एक दिन उसका मकान गिर पड़ा।
गिरे हुए मकान को देखकर वह रोने लगा। अरे रो तो क्यों हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं गरीब आदमी बर्बाद हो गया, हम बिना मजदूरी लिए तुम्हारा घर तैयार कर देंगे। चुप हो जाओ भैया, दुखी राम, नया मकान बनाने के लिए मैं थोड़ी ईंट तुम्हें उपहार में दे दूंगा। लोगों की बातें सुनकर उसे बड़ी तसल्ली हुई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए और सचमुच में सभी लोगों की मदद से उसका नया मकान शीघ्र ही तैयार हो गया। केवल छत डालनी शेष रह गई। छत डालने का कार्य महंगा था, गरीब आदमी लोगों से मांगकर भी उपयुक्त धन जुटा न सका। मैं छत फिर कभी बनवा लूंगा, आप लोग सरपट की चटाई लाकर छत के स्थान पर रख दें, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल दें। जी बहुत अच्छा, सस्ती छत डालकर भी दूर से सच्चाई नहीं मालूम पड़ती थी, मकान सुंदर था। पास के गांव में रहने वाला एक चोर एक दिन उधर से गुजरा तो मकान देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जरूर यह आदमी अमीर हो गया है, कैसा सुंदर मकान बनाया है, यहाँ चोरी करने से अच्छा मार हाथ लगेगा। रात गहरी सो जाने पर चोर चुपके से मकान की छत पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही छत पर चलने के लिए उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, ओ ये क्या हुआ, धड़ाम धम। इसे पहले की कुछ समझे चोर घर के भीतर सोए हुए मालिक के ऊपर जा गिरा। अरे हड़बड़ाकर गरीब आदमी की नींद टूट गई और वह चोर को पकड़ने के लिए भागा। कौन है कौन है, मगर चोर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया, गरीब आदमी उसे पकड़ न सका। ओ भाग गया। दूसरे दिन चोर राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा को अपनी शिकायत बतानी चाहिए। कौन हो तुम, हे राजाओं के राजा, महान बुद्धि वाले महाराजा धीराज बलशाली महाप्रभु, मैं एक गरीब और दुखी चोर हूँ, हुजूर के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। जरूर सुनाओ, हमारे दरबार में चोर साहूकार गरीब अमीर छोटे बड़े सभी को न्याय मिलता है। महाराज मैं कल रात एक आदमी के घर चोरी करने गया, उसका मकान छत के बजाय चटाई से ढका था, उस पर मैं जैसे ही चढ़ा नीचे गिर पड़ा, मेरे एक पाँव में बड़ी चोट आई है। यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि मेरे एक पाँव में ही चोट आई है, वरना मेरे दोनों पाँव भी टूट सकते थे। हुजूर आपसे विनती है कि उस घर के मालिक की कड़ी से कड़ी सजाएं, उस घर के मालिक को कड़ी की कड़ी सजा दें। तुम घबराओ मत श्रीमान चोर जी, हम पूरा पूरा न्याय करेंगे, राजा ने चोर को तसल्ली दी। इसके बाद राजा ने मकान मालिक अर्थात गरीब आदमी को अपने दरबार में बुलवाया और अदालत की कार्रवाई शुरू की। क्या यह सच है कि यह आदमी कल रात तुम्हारी छत से नीचे गिर पड़ा? यह बात तो बिल्कुल सच है महाराज, यदि यह सच है तो तुम्हें जरूर फांसी दी जाएगी। गरीब आदमी घबरा गया। महाराज मुझ गरीब एवं निर्दोष को क्यों फांसी देना चाहते हैं, इस चोर को क्यों नहीं सजा देते हैं? खामोश, हमें सिखाने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? गरीब आदमी मन ही मन समझ गया कि उसे इस राजा से इंसाफ नहीं मिल सकता, अतः जान बचाने के लिए उसके मन में एक युक्ति आ गई। मेरे मालिक आप तो न्याय के साक्षात अवतार हैं, स्वयं सोचिए, यदि छत बनाने वाले ने कच्ची छत बनाई तो मेरा क्या कसूर? छत बनाने वाले, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, खैर तुम्हें माफ किया जाता है, हम छत बनाने वालों को फांसी देंगे, छत बनाने वाले को हमारे सामने हाजिर किया जाए। दूसरे दिन छत बनाने वाला दरबार में हाजिर हुआ। तुमने कच्ची छत बनाई है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। हुजूर फांसी देने से पहले मेरी बात तुम सुन लें, जल्दी बोलो क्या कहना चाहते हो।
हुजूर, चटाई बनाने वाले ने इतनी पतली और कच्ची चटाई बनाई थी कि किसी के भी वजन से उस छत को गिरना ही था। भला अब भला इसमें मेरा क्या कसूर? राजा ने छत वाले की बात मान ली और चटाई बनाने वाले को इसी वक्त पकड़ कर लाओ और फांसी पर चढ़ा जो आज्ञा अन्नदाता। राजा के आज्ञाकारी सैनिक चटाई बनाने वाले को पकड़ कर लाए और सीधा फांसी घर ले जाने लगे। वह रास्ते में चीखने चिल्लाने लगा, अरे जालिमो, मुझे एक बार राजा से तो मिल लेने दो। लेकिन उसे खींचे चले गए। नहीं, राजा ने मिलने के लिए नहीं फांसी देने के लिए कहा है। राजा जो बुर्ज पर खड़ा था ने चटाई वाले की चीख को कहा, सुन ली, उसे कुछ दया आ गई। वह बुर्ज पर से ही बोला, इसे हमसे मिलने दिया जाए, मरने से पहले इसकी यह इच्छा पूरी करने में कोई बुराई नहीं है। जो आज्ञा अन्नदाता। महल में, मेरे मालिक, मेरे देवता, मुझ पर विश्वास करो, मैंने हमेशा मजबूत चटाइयाँ बनाई हैं, मगर कुछ समय से मेरा एक पड़ोसी जबरदस्त कबूतर प्रेमी हो गया है। उसके कबूतर आकाश में चक्कर काटते रहते हैं, इससे मेरा ध्यान बढ़ जाता है और मैं मजबूत चटाइयाँ नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, ठीक ही तो कहता है बेचारा सैनिक, इसे छोड़ दो और मजबूत कबूतर प्रेमी को हमारे सामने पेश करो। हमारे राज में हम कभी अन्याय नहीं होने देंगे। आखिर सैनिक कबूतर प्रेमी को भी पकड़ लाए। राजा ने उसे भी फांसी की सजा सुना दी। कबूतर प्रेमी ने भी महाराज को अपना तर्क दिया, महाराज आप तो महान हैं, स्वयं जानते हैं कि कबूतर उड़ाना कोई कसूर नहीं, बल्कि यह तो मुल्क में अमन और शांति के प्रतीक हैं। यदि आप मेरे बदले चोर को सजा देंगे तो प्रजा आपकी जय जयकार करेगी। चोर को फांसी देने से प्रजा हमारी जय जयकार करेगी? शाबाश, यह तो तुमने हमारे फायदे की बात बताई। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को हम आज ही अपना मंत्री नियुक्त करते हैं और चोर को फांसी की सजा देते हैं। सैनिकों ने राजा के आदेश के अनुसार चोर को फांसी देने के लिए ढूंढ लिया और उसे फांसी देने के लिए फांसी घर ले गए। पर संयोग से चोर बहुत ही लंबा आदमी था। जल्लादों ने फंदा ऊंचा करने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी चोर के पांव जमीन पर ही रहे। आखिर जल्लाद राजा के पास पहुंचे, महाराज चोर बहुत लंबा है, उसके पांव जमीन पर ही रहते हैं, इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। अरे मूर्खो, छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे पास मुझे परेशान करने चले आते हो। यदि चोर बहुत लंबा है तो चौराहे पर जाकर किसी नाटे आदमी को ढूंढ कर फांसी लगा दो। क्या यह कोई कठिन समस्या है? अच्छा अन्नदाता, हम अभी किसी नाटे आदमी को ढूंढ लाते हैं। जल्लाद सड़क पर पहुंचे, देखा कि एक नाटा आदमी अपने कंधे पर आटे की बोरी लिए जा रहा था। फांसी के लिए उसका नाप ठीक रहेगा। राजा का आदेश हम लोगों के लिए कानून है, चलो इसे जल्दी से पकड़ कर फांसी पर चढ़ा दे, नहीं तो ये भी राजा के पास पहुंचकर अपनी जान बचा लेगा। जल्लादों ने दौड़कर उस नाटे आदमी को पकड़ लिया और खींचते हुए फांसी घर ले गए। अरे छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो फांसी देने? नाटे के गले में फांसी का फंदा डाला ही था कि राजा भी टहलता हुआ वहां पहुंचा। हुजूर, मेरे मालिक, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। जानता हूँ, वही निवेदन करोगे जो अभी तक सभी लोग करते आ रहे हैं, करो, तुम भी निवेदन कर लो। मैं गरीब आदमी, सामान ढो ढो कर बाल बच्चों को का पेट भरता हूँ, आखिर मेरा कसूर क्या है जो मेरे बच्चों को अनाथ किए जा रहा है? मुझे तुम्हारा कसूर नहीं मालूम, मुझे जिस चोर को फांसी पर लटकाना है उसके पाँव बहुत लंबे हैं, इसलिए उसे फांसी नहीं लग सकती। तुम्हारा आकार बिल्कुल ठीक है। प्रजा के रक्षक अन्नदाता, कसूर करें लंबा आदमी और फांसी चढ़े नाटा, ऐसे में तो इंसाफ नहीं हो सकेगा। फिर किस तरह हो सकेगा तुम ही बता दो। यदि चोर बहुत लंबा है तो अपने लोगों से कहिए कि फांसी के तख्ते के नीचे गड्ढा खोदे। यह आदमी ठीक ही कह रहा है, इसे जाने दो और फांसी की तख्ती के नीचे गड्ढा खोदो। जी बहुत अच्छा, आपका आदेश हमारे लिए कानून है। जल्लादों ने चोर को
पुनः फांसी के तख्ते पर खड़ा किया, उसके गले में फंदा डाला और उसके पाँव के नीचे गड्ढा खोदना आरंभ कर दिया। अब देखता हूँ कैसे बचता है यह चोर का बच्चा। अचानक ही चोर कह उठा, अरे भाई जला दो, जरा जल्दी खोदो, मुझे जल्दी फांसी दो, नहीं तो देर हो जाएगी। ये तो बड़ा बहादुर है, फांसी से डरता ही नहीं। बड़ी जल्दी मचा रहे हो, क्या तुम्हें फांसी से डर नहीं लगता मेरे मालिक? स्वर्ग का राजा अभी अभी मरा है और अपनी मृत्यु से पहले उसने कहा है, धरती का जो भी पहला आदमी मरकर स्वर्ग आए उसी को वहाँ का राजा बना दिया जाए। आप मेहरबानी करके तत्काल मुझे फांसी दे देंगे तो मैं किसी अन्य से पहले स्वर्ग चला जाऊँगा और वहाँ का राजा बन सकूँगा। चोर की बात सुनकर राजा के मन में लोभ आ गया। यह चोर तो बड़ा चालाक मालूम पड़ता है, मुझसे भी बड़ा राजा बनना चाहता है। अगले ही पल जल्ला तो इस चोर को छोड़ दिया जाए और हमें फांसी लगा दी जाए। जो आज्ञा ने दत्ता आपका हुक्म हमारे लिए कानून। और जल्लादों ने मूर्ख राजा को फांसी पर चढ़ा दिया। मूर्ख लोटाराम। एक गांव में लोटाराम नाम का एक अहीर रहता था। उसकी आदत थी कि जब भी वह किसी साधु या महात्मा को देखता तुरंत जमीन पर लेटकर दंडवत करता, फिर उन्हें अपने घर ले जाता और बड़ी श्रद्धा भक्ति से खीर पूरी खिलाता। लड्डू भी शायद देसी घी के हैं, वाह। हाँ महाराज, बिल्कुल शुद्ध घी का भोजन बनवाया है। और उन्हें प्रेम से विदा करता, ये दक्षिणा रखिए महाराज, कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करना, सदा सुखी रहो बेटा, आगामी सप्ताह हम फिर तुम्हें दर्शन देंगे। प्रायः रोज उसके घर दो एक साधु संन्यासियों का भोज होता रहता था। उसकी स्त्री धनो बड़ी सीधी साधी और सुशील गृहिणी थी, परंतु अहिर लोटाराम का स्वभाव बहुत क्रोधी, कठोर और अंधविश्वासी था। जब भी उसका मन चाह ना होता तो वह तुरंत डंडा उठाकर अपनी पत्नी को पीटने लगता। अरे निकम्मी, जब मैंने तुझे पूरियां सेकने के लिए कहा तो तूने पराठे क्यों सेके? रहने दो भक्त, भविष्य में फिर तुम्हारी पत्नी ऐसी भूल नहीं करेगी, इतनी सजा ही इसके लिए काफी है। धनो सब कुछ सहते हुए अपने पति की आज्ञा का पालन करती और चुपचाप अपने भाग्य पर आंसू बहाती रहती। हे प्रभु, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब आएगी मेरे पति को सद्बुद्धि? इस प्रकार ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ दिख जाएगा। एक बार सिर फटा जा रहा है। धनो की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सुबह से दोपहर तक आठ साधुओं को भोजन बनाकर खिला चुकी थी। उसका पति गांव में किसी काम से गया हुआ था। तभी लोटा राम दो पाखंडी साधुओं को लेकर पहुंचा। आइए आइए महाराज, अभी आपके लिए गर्म गर्म भोजन तैयार करवाता हूँ। हे भगवान, अब क्या करूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अरे आलसी, तू पड़ी पड़ी खाट पर खाट क्यों तोड़ रही है? चल उठ जल्दी से, चूल्हा जलाकर खीर पूरी बना ले, महात्माओं को भोजन कराने हैं। मैं बाजार से अभी चीनी और घी लेकर आता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। पति की आज्ञा सुनकर धनो की आंखों में आंसू आ गए। पिटने के डर से वह उठी और धीरे धीरे सब सामान जुटाने लगी। वाह, क्या देवता इंसान है लोटा राम। हाँ, ऐसा भक्त मिलना मुश्किल है। दो चार दिन अब आराम से कटेंगे। आज्ञा देकर दौड़ता हुआ लोटा राम बाजार चला गया। तभी पड़ोसन की किसी स्त्री ने आवाज दी, बहन धनो, मरी बहन धनो अभी आई। धनो बाहर निकल आई। क्या कर रही थी बहन, अब कैसी तबीयत है? महात्माओं के लिए भोजन तैयार कर रही थी। भोजन? लेकिन अभी अभी तो तुम्हें चूल्हे चौके से निकली हो, फिर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। क्या करूं बहन, बस मजबूरी है, यदि नहीं करूंगी तो वे नाराज हो जाएंगे। उसने धनो की हालत देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा, बहन किसी प्रकार इन निखंटुओं को यहाँ से भगाओ, तुम्हारे आदमी का तो सिर गिर गया है। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता।
मेरे दिमाग में एक तरकीब है, कान में सुनो। अच्छा और पड़ोसन धनों के कान में कोई तरकीब बताकर चली गई। फुस फुस। पड़ोसन के जाने के बाद धनों साधुओं के सामने ही आंगन में चूल्हा जलाकर पतीला चढ़ा दिया। बड़ी भूख लगी है बेटी, जरा जल्दी करना, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए महाराज। फिर वह खुद एक मटके में घी और हाथ में मूसल लेकर ड्योढ़ी के पास बैठ गई। वह मटके में सेंधी सेंधी घी निकालकर मूसल पर लगाती जाती और साथ में रोती जाती। यह इसे अचानक क्या हुआ, रो क्यों रही है, जरूर किसी बात का दुख है। परंतु यह मूसल पर घी किस लिए लगा रही है, पूछ कर देखता हूँ। क्यों रो रही हो बेटी? हाँ बोलो बच्चा, क्यों रोती हो, क्या कष्ट है तुम्हें? परंतु धनो कुछ नहीं बोली, मूसल पर पूर्ववत घी लगाती हुई आंसू बहाती रही। अब साधुओं ने बार बार पूछा तो धनो रोती हुई बोली, क्या करिएगा पूछकर महाराज, हमारा भाग ही फूट गया है। अरे बच्चा, महात्माओं से क्या छिपाना। हाँ हाँ बोलो बच्चा, हम तुम्हारा सब कष्ट हर लेंगे। मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ महाराज, मुझे तो दुख सहने की आदत पड़ गई है। आए तो फिर किसके लिए रो रही हो? मैं आप लोगों के लिए रो रही हूँ। हमारे लिए? साधुओं के समझ में कुछ नहीं आया तो फिर बोले, हम समझे नहीं बच्चा, तुम्हारा मतलब क्या है, हमें कौन सा कष्ट है? हाँ बच्चा, महात्माओं से पैदा न करो। धन्नो और जोर से रोने लगी। मैं बताने से मजबूर हूं महाराज, मेरा आदमी जान जाएगा तो मुझे बहुत मारेगा। नहीं वह ऐसा नहीं करेगा, हम उसे समझाएंगे, वह हमारा बड़ा भक्त है, तुम बताओ। साधुओं ने बहुत जोर देने पर धन्नो ने रोते हुए साधुओं के बहुत जोर देने पर धन्नो ने रोते हुए कहा, असल बात यह है महाराज, मेरे आदमी का दिमाग आज कई महीने से खराब हो गया है। वह रोज दो चार साधुओं को बुला लाता है। हाँ हाँ बताओ, डरो नहीं। और उन्हें खीर पूरी खिलाने के बाद जाते समय उनके मुंह में यह मूसल गुजर कर सारे दांत तोड़ देता है। हाय मेरे दांत, हाँ, ये दांत ही तो मुझे चाहिए। रुको जाइए स्वामी, इन साधुओं पर दया कीजिए। आई अच्छा, आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है, इसलिए मूसल में घी लगा रही हूँ कि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना होने पाए। यदि मेरी बात का यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लीजिए, कोने में आदमी के दांतों का ढेर लगा है। धनों की बात सुनते ही दोनों साधुओं का चेहरा सफेद हो गया। हैं, इतना दुष्चर लुटारा, हमारे दांत निकालने के लिए ही वह हमें अपने घर लाया है। दूसरे क्षण भयभीत हो उन्होंने अपना सामान समेटा। तुम्हारा भला हो बच्चा, सच्ची बात बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम प्रस्थान करते, जल्दी निकल चलो गुरु जी, कहीं हुआ आधम का तो। और वे सरपट वहां से भाग लिए। महाराज रुकिए तो सही, अपने आदमी को मैं क्या जवाब दूंगी। अरे बाप रे, भागो रुको मत। उसके जाने के कुछ देर बाद ही लोटा राम घर आ पहुंचा। अरे महात्मा लोग कहाँ गए? नाराज होकर चले गए, मैंने बहुत रोका लेकिन रुके ही नहीं। क्रोधित हो लोटा राम ने धनों के बाल पकड़ लिए। क्यों, कैसे नाराज हुए वे, जल्दी बोलो। हाँ बताती हूँ, वे ये मूसल मांग रहे थे, घर में केवल यही तो एक मूसल है, भला मैं कैसे दे देती। इस पर वे नाराज होकर चले गए। सब कुछ सुनकर लोटा राम और अधिक क्रोधित उठा। शैतान की बेटी नालायक, तुमने एक मामूली से मूसल के लिए साधुओं को नाराज कर दिया, ला इसे इधर दे, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी दौड़ कर दे आता हूँ। आ धनु ने चुपचाप मूसल उसके हाथ में थमा दिया और मूसल से लोटा और मूसल ले लोटा राम उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर साधु गए थे। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र, एक थप्पड़ में ही जान छूटी।
जल्दी ही उसे दोनों साधु तेजी से एक तरफ जाते दिखाई दे रहे। अरे महात्मा जी, मूसल लेते जाइए। हैं? आवाज सुनकर दोनों साधुओं ने पलट कर देखा, लेकिन फिर लोटाराम को मूसल लिए अपनी ओर दौड़ा आता देख उन दोनों के प्राण सूख गए। उन्हें विश्वास हो गया कि अपनी असफलता के कारण वह क्रुद्ध हो कर उनके दांत उखाड़ने के लिए ही मूसल लेकर दौड़ा चला आ रहा है। अरे बाप रे, वह अब भी हमारे पीछे लगा है, भागो, हे प्रभु रक्षा करो। अतः वे उछल कर और तेजी से भाग खाए हुए। महाराज मूसल तो लेते जाइए, रुकिए तो सही, रुकना मत वरना खैर नहीं रुकूंगा। भागते भागते ही उन्हें जो मार्ग में साधु संन्यासी आता जाता मिला उसे भी वे लोटाराम के प्रति सचक करते जाते। सबके घर जाना लेकिन उस दुष्ट लोटाराम के यहाँ भूल कर भी ना जाना। हाँ उसका दिमाग खराब है, वह खीर पूरी खिलाकर सबके दांत तोड़ देता है। उसके बाद फिर कभी पाखंडी साधु संन्यासियों ने उसके घर की तरफ रुख नहीं किया। यही नहीं, जब लोटाराम के बार बार आग्रह करने पर भी साधु संन्यासियों ने उसके घर जाना स्वीकार नहीं किया तो उसने भी साधुओं से आग्रह करना बंद कर दिया और इस तरह धन्नो भी अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। समाप्त।